तो दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का ट्रेलर हुआ रिलीज। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों चर्चा में है। इसकी वजह है उनकी आने वाली फिल्म राम सेतु। फिल्म का टीजर 26 सितंबर को आ गया था, जिसे देखकर फैंस में फिल्म को लेकर उत्साह भी बढ़ गया। वहीं फैंस को फिल्म रिलीज का इंतजार बेसब्री से है। इसी बीच फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसे सुन सभी खुश हो जाएंगे। बता दें कि एक्शन एडवेंचर सस्पेंस से भरी इस फिल्म का ट्रेलर 11 अक्टूबर यानी आज रिलीज हो गया है। साथ ही यह फिल्म जल्द ही यानी 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया पर यह ट्रेलर जमकर वायरल हो रहा है। फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं, साथ ही इसे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। ट्रेलर की शुरुआत कोर्ट रूम में सुनवाई के साथ हुई, जहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है। वहीं बात की जाए ट्रेलर के अंत की, तो अक्षय अपने कंधे पर पुल से एक पत्थर लेकर समुद्र से बाहर आते हुए दिखते हैं। यह फिल्म महाकाव्य रामायण के राम सेतु पुल पर आधारित है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए उनकी सेना के साथ लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु पुल का निर्माण किया था। बात करें फिल्म की, तो इस फिल्म के निर्देशक अभिषेक शर्मा है। यह फिल्म ऊटी, दमन एंड दीव मुंबई के पास शूट की गई। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ लीड रोल में जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भैरूचा, सत्यदेव कंचरण, एम नासिर मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन अरुणा भाटिया, फिल्म का निर्देशन विक्रम मल्होत्रा ने किया है। फिल्म राम सेतु 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। तो दोस्तों राम सेतु के ट्रेलर के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा कि नहीं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।